हाई एवरीबडी वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक्स यूट्यूब चैनल सिंस वी हैव कवर्ड थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सो इन दिस लेक्चर वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है सो वी विल स्टडी लॉज ऑफ प्रोडक्शन इसमें दो लॉज होते हैं इसलिए यहाँ पर लॉज वर्ड यूज़ हुआ है बट इस टॉपिक को रीड करने के पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स आने चाहिए तभी आपको आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया है कि एक एक बेसिक टर्म को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करके और उसे समझा के फिर हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था तो वही हमारा तरीका सेम रहने वाला है इस चैप्टर के लिए भी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्शन की मीनिंग क्या है अब प्रोडक्शन को अगर आप ऐसे सोचो तो ये हाउस होल्ड में भी हो सकता है ठीक है या फिर ये किसी इकनॉमिक एक्टिविटी के फॉर्म में हो सकता है जैसे अगर हम एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दें जैसे घर में पिकल्स बनते हैं राइट सो so, इसमें होता क्या है बेसिकली कि आप बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लेते हो सपोज रॉ मैंगो है ठीक है उसके बाद मस्टर्ड ऑयल उसके बाद बहुत सारे और भी मसाले हो सकते हैं जिसमें टर्मरिक या फिर हो सकता है रेड चिली ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसके हो सकते हैं या फिर उसको हम सिंपली रॉ मटेरियल्स भी बोल सकते हैं सो so ये जब सारी चीज़ें यूज होंगी तो इसको आप ट्रांसफॉर्म करते हो इन टू फिनिश्ड गुड बेसिकली यही प्रोसेस है जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन बट ये बहुत ही जेनरिक सा डेफिनेशन है बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें रीड करने वाले हैं जिसको हम कॉमनली uh, जो नोन फैक्ट्स हैं अगर उसको हम देखें तो वो डिफिनेशन और इकोनॉमिक्स में जैसे डिफाइन किया गया है इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ओके okay, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा सो सिंपली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इं टू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन इन जनरल टर्म्स बट इन इकोनॉमिक्स यू हैव टू मेक श्योर दैट देर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी गोइंग अराउंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दोज रॉ मटेरियल्स इन टू फिनिश गुड्स तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया कि यू हैव टू कैरी आउट एन इकनॉमिक एक्टिविटी तभी फिर उसको हम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन बोलेंगे नाउ वॉट इज दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी इसकी सिंपल सी मीनिंग ये है कि वहाँ पर कुछ लेबर को सप्लाई करने वाले लोग होने चाहिए जिसको कि हम लेबरर्स भी बोलते हैं और फिर जब उनका काम खत्म हो जाए तो उन्हें इसके बदले में पेमेंट भी मिलनी चाहिए जिसको कि हम फैक्टर कॉस्ट बोल सकते हैं या फिर उसको हम फैक्टर पेमेंट बोल सकते हैं सो so, इसको थोड़ा कर सिंप्लीफाई करके मैं समझाऊं जनरल टर्म्स में रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहलाता है प्रोडक्शन बट इन इकोनॉमिक्स हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरीड आउट टू ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इन टू फिनिश्ड गुड्स ये आपका हो गया प्रोडक्शन किसमें इकोनॉमिक्स में So, यहां पे आप क्या ऐड करोगे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है दिस इज बिकॉज सम इकोनॉमिक एक्टिविटी राइट इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे भी होगी लेकिन जो रॉ मटेरियल्स हमने लिखा है रॉ मेटेरियल्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे इनपुट से सो so, इनपुट को ट्रांसफॉर्म करके जब हम आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा प्रोडक्शन गिवन कि वहां भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो अब ये जो इनपुट्स हैं ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं इसको दूसरे वर्ड्स में हम फैक्टर्स भी बोलते हैं और इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो मीनिंग तो आपने समझ ली प्रोडक्शन की मीनिंग क्या है अब हम आते हैं फैक्टर्स पे या फिर इनपुट्स पे सो so, एग्जैक्टली uh, exactly, कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है किसी भी टाइप के प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए तो so, अगर हम बहुत ब्रॉड सी इसकी कैटेगरी लें तो उसमें आते हैं फोर लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे कि लैंड क्या है लेबर क्या है अगेन जो जनरल टर्म्स में हम यूज करते हैं वर्ड्स को हो सकता है कि उससे कुछ ज़्यादा आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिले जैसे हम अगर लैंड की बात करें तो आप लैंड को कैसे डिफाइन करोगे आप लैंड को ऐसे डिफाइन करोगे कि इट इज़ द अर्थ सरफेस वेर वी बिल्ड आवर बिल्डिंग्स वेर वी कैरी आउट एनी एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि एग्रीकल्चर है सो so, यहाँ पे एग्रीकल्चर में द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कैरीड आउट ऑन लैंड सरफेस ऑफ लैंड यहीं पे आप खेती कर रहे हो राइट फ्लॉइंग हो चाहे uh, सीडिंग हो कुछ भी हो वो आपका लैंड के सर्फिस पर ही हो रहा है लैंड पे हो रहा है बेसिकली बट इकनॉमिक्स में अगर हम लैंड को डिफाइन करेंगे तो लैंड मतलब जो पीस ऑफ अर्थ का सरफेस है वो तो होगा ही होगा वहाँ से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं या फिर वहाँ से जो भी चीज़ें जनरेट हो रही हैं जैसे मिनरल्स हो गए रॉ मटेरियल्स हो गए वो सब कुछ आपका लैंड में ही आ जाएगा थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है सुन के बट इकनॉमिक्स में लैंड की डेफिनेशन यही है कि लैंड एक इसको आप ऐसे बोल लो कि एक यूनिवर्सल सेट है उन सारे रिसोर्सेज का जो कि आपको मिलता है थ्रू लैंड तो अगर आपको सिर्फ एरिया चाहिए जहाँ पे आपको कंपनी के लिए फैक्ट्री बनानी है सो so वहाँ पे भी लैंड का यूज है उन फैक्ट्री में आप कुछ रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके कोई आउटपुट बनाओगे राइट अगर वो रॉ मटेरियल्स नेचुरल नेचुरल मटेरियल्स हैं या फिर वो लैंड पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो वो भी फिर लैंड का ही पार्ट हो जाएगा तो अगर हम फैक्टर्स को देखें जो फोर फैक्टर्स हमारे उसमें लैंड सबसे ब्रॉड फैक्टर है और यहां पे लैंड की मीनिंग अर्थ के सरफेस प्लस यहां पे हम लिख सकते हैं जनरेटेड रिसोर्सेज मतलब अर्थ के सरफेस पे जितने रिसोर्सेज जनरेट होते हैं अगर हम उसको यूज करके या फिर सरफेस के बेनीथ भी जैसे मिनरल्स को अगर हम यूज करते हैं तो उसे भी हम लैंड का ही पार्ट मानेंगे ऑलराइट right. अब कुछ इसके फीचर्स देख लेते हैं कि लैंड का फीचर क्या क्या हो सकता है बिकॉज आप जब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करोगे तो आपको ये चीज़ भी देखनी होगी कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं कैसे वो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं कैसे उनको कंसिडर करके कोई भी प्रोड्यूसर अपना कोई बिजनेस डिसीज़न ले सकता है तो जो सबसे पहला है दैट इज़ कि लैंड जो होगा वो डिप्रिशिएट नहीं होगा ऐसा हो सकता है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करे बस उसे ठीक किया जा सकता है बट ओवरऑल अगर आप लैंड इट्स जो सरफेस की हम बात कर रहे हैं अगर आप सरफेस की बात करो तो वो डेप्रिशिएट नहीं होता है और इसीलिए बहुत लंबे टाइम से जब से एग्रीकल्चर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इसको काफ़ी लंबा टाइम हो गया बट अभी भी हम यहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं ठीक है अभी भी एग्रेरियन एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जाती हैं वो इसीलिए क्योंकि लैंड डिप्रीशियेबल नहीं होता अब इसमें नेक्स्ट आता है लेबर सो so, लेबर में नाम से ही क्लियर होगा कि ये एक ऐसा फैक्टर है ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि जो कि ह्यूमंस सप्लाई कर रहे होते हैं लैंड के केस में हमने देखा क्या कि वो सारी चीजें नेचुरल है बट लेबर जो है वो प्योरली वो ह्यूमन ओरिएंटेड है ह्यूमन मेड है क्योंकि हम जब तक डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें हमें कहीं पे काम करना है तब तक हमसे कोई काम नहीं ले सकता राइट सो लेबर में क्या होगा कि ना सिर्फ फिज़िकल uh, एक्टिविटीज़ जैसे फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स होंगे तो मैनुअल वर्क भी हो सकता है वहाँ पर बट लेबर में सिर्फ मैनुअल वर्क नहीं आएगा लेबर में मेंटल वर्क भी आ सकता है जैसे अगर बहुत सारे लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर काम क्या होता है बेसिकली कि आपको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है वहाँ पर आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी वहाँ पर आपको आ, अपने बैग के पीछे बोरा लेके ढोना नहीं है यहाँ पे आपको अपनी मेंटल सर्विस प्रोवाइड करनी होती है डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल है इसमें मैं बहुत ज़्यादा इसके इसमें डीप नहीं जाऊँगा बट इसके कुछ फीचर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है वो आपको समझना पड़ेगा जैसे अगर हम सबसे पहले फ़ीचर की बात करें तो हम बोलते हैं कि लेबर इज़ इनसेपरेबल अब इनसेपरेबल की मीनिंग क्या है So, अगर हम लेबर के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेबर जो होगा वो इनसेपरेबल होगा चलो लैंड पे आते हैं वापस मान लो कि आपके पास कोई आ, कोई ऐसी पीस ऑफ लैंड है रोड के पास जहाँ पे किसी कंपनी वाले को उनका मन हुआ कि हम यहाँ पे भी फैक्ट्री सेटअप अपना कर सकते हैं तो वो आपके पास आए उन्होंने आपकी लैंड को लीज पे मांगा या फिर आपको आपको एक ऑफ़र उन्होंने दिया कि आप हमें ये सेल कर दो और हम इसके बदले आपको मार्केट प्राइस से डबल दे देंगे आप हो सकता है मान जाओ बेचने को या फिर अगर आप नहीं भी सेल कर रहे हो तो आप उसको लीज़ पे भी दे सकते हो कि इतने टाइम पीरियड के लिए आप हमारी लैंड यूज़ करो उसके बदले में मुझे इतना पैसा चाहिए अब एक बार अगर आपने लीज़ के डॉक्यूमेंट पर अगर साइन कर दिया है तो फिर आप लैंड को खुद के पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ला सकते आपको हैंड करना पड़ेगा उस फैक्ट्री के ओनर को फिर वहाँ पे वो फैक्ट्री या फिर वो आ, वो कंपनी जिनकी वो फैक्ट्री है वो अपनी कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे करेंगे सो so आप वहाँ पे अपनी कोई पर्सनल काम को नहीं कर सकते ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया बिकॉज दैट पीस ऑफ लैंड इज सेपरेबल फ्रॉम योर ओनरशिप या फिर दैट पीस ऑफ लैंड इज सेपरेबल फ्रॉम यू जब एक बार लीज डॉक्यूमेंट पे साइन हो गया तो उस गिवेन टाइम पीरियड के लिए आप उसको यूज नहीं कर पाओगे तो यानी उस एसेट को आपसे सेपरेट कर दिया गया बट लेबर को सेपरेट नहीं किया जा सकता अगर कोई लेबरर है कोई वर्कर है तो उसके काम को आप अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते राइट right? इसलिए हम बोलते हैं लेबर को कि वो इनसेपरेबल होता है अच्छा सेकेंड फीचर है इसका कि लेबर इज पेरिशेबल पेरिशेबल क्यों है ये सारे फ़ीचर्स समझने इसलिए भी जरूरी हैं एक तो पहले बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा दूसरी बात कि आजकल जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने लग गए हैं न्यूमेरिकल्स तो वो आपसे पूछ सकते हैं बहुत टफ न्यूमेरिकल्स का स्कोप इस चैप्टर में भी है आगे भी है और जो चैप्टर हमने पहले कवर किया है उसमें भी है बट क्या है कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो न्यूमेरिकल्स भी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी बट इस टाइप के क्वेश्चंस, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जाए और आपने उसको अच्छे से रीड नहीं किया इन केस है बहुत आसान लेकिन फिर भी आपको कम से कम एक बार इसको रीड करना पड़ेगा ताकि आप समझ पाओ कि यहाँ पे बात क्या बोली जा रही है सो so, अगर एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और आपने ये सब रीड नहीं किया है तो हो सकता है कि आप वहाँ पे थोड़े से डाउट में आ जाओ या फिर अगर आपने अटैम्प्ट किया तो वो आपका वो गलत भी हो सकता है अगर आपने उसको बहुत अच्छे से रीड नहीं किया तो सेकेंड फीचर है जिसको हम बोलेंगे पेरिशेबल क्यों अब सपोज़ जितने डेली वेज बेस्ड वर्कर्स हैं जिनका काम है कि वो पूरे दिन का काम करेंगे और उनको शाम में पेमेंट मिलेगी अगर आपने एक दिन काम नहीं किया तो आपको उस दिन की पेमेंट नहीं मिलेगी ये बहुत ही सिंपल सी बात है इसीलिए हम बोलते हैं कि लेबर पेरिशेबल है अगर आज आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की तो शाम होने के बाद फिर आप नहीं कर पाओगे क्योंकि हर फैक्ट्री का हो सकता है कि एक अपना टाइम उनकी टाइम लिमिट हो और उसके बियॉन्ड आप वहाँ पर अपना लेबर ऑफर नहीं कर पाओगे अच्छा थर्ड यहाँ पे फीचर है जिसमें हम देखेंगे सप्लाई ऑफ लेबर अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है और यहाँ से फॉर श्योर sure मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकते हैं इसको आप अच्छे से देखना सप्लाई ऑफ लेबर सॉरी सप्लाई ऑफ लेबर सो so, इसके अंडर हम ये रीड करते हैं कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ती जाती है वैसे वैसे लेबर का सप्लाई भी इंक्रीज होता जाएगा अब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि अगर वर्कर्स को बता दिया जाए कि अगर आप वन आवर एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो आपको डबल पेमेंट मिलेगी मतलब पर आवर जितना वेज है यूजुअल वर्किंग आवर्स में अगर आप उसके बियॉन्ड काम कर रहे हो वर्किंग आवर्स के तो आपको जो ओरिजिनल रेट है पर आवर का उससे डबल मिलेगा या फिर ओवरऑल भी अगर आपने ये बोल दिया कि कल से डेली वेज डबल हो जाएगी और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड भी काम कर सकते हैं फिर आपको उसी हिसाब से पेमेंट मिलेगी तो जैसे जैसे आप वेज रेट बढ़ाओगे वैसे वैसे लेबर की सप्लाई भी बढ़ती जाएगी क्योंकि हर वर्कर चाहेगा बिकॉज मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर लेता हूँ सो so अगर हम इस ग्राफ को बनाएं ऐसे जिसमें यहाँ पे मान लो हमने लिखा वेज रेट ये इंक्रीज हो रहा है इधर और यहां पे हम डिनोट करते हैं किसको सप्लाई ऑफ लेबर को अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं इसको आप ध्यान से देखना यहां पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज एक पता चलेगी अब मैंने अभी जस्ट बोला कि जैसे जैसे आप वेज रेट बढ़ाओगे वैसे वैसे लेबर की सप्लाई भी बढ़ती जाएगी क्योंकि हर कोई चाहता है ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाए सो so, अगर उसका मुझे ग्राफ बनाना होता तो मैं कुछ ऐसा बनाता ठीक लेकिन मैंने ऐसा बनाया नहीं है मैंने एक अपवर्ड बेंडिंग कर्व बना दिया मैंने एक अपवर्ड बेंडिंग कर्व बना दिया ऐसे कि शुरू में तो इंक्रीज हो रहा है बाद में वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है अब इसका लॉजिक क्या है सो so, इसका लॉजिक ये है कि आप इसको ऐसे सोच के देखो दिस इज ट्रू दैट Uh, with increasing wage rate, the workers will try to work extra and earn more. ये बात बिल्कुल सही है but एक limit तक क्योंकि आपके पास जो daily daily uh, आवर्स हैं दैट इज़ फिक्सड कि वो ट्वेंटी फोर आवर्स से आप उसको बढ़ा नहीं सकते 24 फोर आवर्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको काम ही करना है आपको अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना होगा आपको ऐसे खुद के लिए भी लीजर टाइम चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ट्वेंटी फोर आवर्स में से ट्वेंटी टू आवर्स काम करो और तुरंत दो घंटे में खाना खा के रेस्ट करके फिर से रेडी हो जाओ काम करने के लिए शॉर्ट टर्म में चल सकता है ऐसा एक दो दिन हो सकता है बट ये लॉन्ग टर्म में फिजिबल नहीं है इसलिए बॉडी की बॉडी की एनर्जी रीजनरेट हो आपको प्रॉपर रेस्ट मिले इसके लिए भी आपको टाइम अलग से एलोकेट करना होगा हालांकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जिन लोगों की सैलरी बहुत कम होती है या फिर जिन लोगों जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं जिनका जिनका वेज काफ़ी कम है तो उन्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है क्योंकि आपको अपने डेली एक्सपेंसेस या फिर मंथली एक्सपेंसेस मीट करने होंगे खुद की भी फैमिली की भी तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 24 फोर आवर्स काम ही करते रहो हर दिन ये फिजिबल नहीं है बिल्कुल इसलिए आपको लेजर टाइम भी चाहिए आपको फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए अलग से सो तो एक लिमिट तक ही लेबर सप्लाई बढ़ाई जा सकती है अब अगर आपने वेज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो वर्कर ये सोचेगा कि इस लिमिट के आगे मैं नहीं जा सकता दस घंटे से ज़्यादा मैं एक दिन में काम नहीं करूँगा और सैलरी कितनी भी बढ़ जाए वेज रेट कितना भी बढ़ जाए इसका एक्चुअली में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कंपनी के लिए वर्कर्स के लिए तो वो पॉजिटिव है कंपनी के लिए हो सकता है फैक्ट्री के लिए वो निगेटिव हो क्यों क्योंकि वेज रेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वर्कर ये सोचेगा कि अब क्योंकि मेरी सैलरी या फिर मेरी वेजेस बढ़ा दी गई हैं तो अब मैं थोड़ा कम भी काम करूँ मतलब नंबर ऑफ़ आवर्स अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स थोड़ा कम भी काम करूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा या फिर वेज रेट अगर मान लो डबल हो गई तो जो वर्कर महीने के तीस दिन काम कर रहा था वो हो सकता है ऐसा कि बीस या पच्चीस दिन ही काम करे डबल होने के बाद क्योंकि अभी भी उसकी टोटल इनकम बढ़ी हुई है पहले से और अब उसको थोड़ा फ्री टाइम भी मिल रहा है तो आइडियली हर कोई फ्री टाइम चाहता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशल कंपलसन भी होते हैं जो आपको हैंडल करने होते हैं सो so, इसलिए ये रीज़न है कि एक लिमिट के बियॉन्ड अगर वेज रेट बढ़ जाए तो वर्कर्स अपने वर्किंग आवर को थोड़ा थोड़ा करके कम कर देता है ठीक है ये आपको समझ में आ गया इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि जो लेबर की सप्लाई कर्व है उसमें कैसे कैसे फ्लक्चुएस हो रही हैं तो ये जो बेंडिंग कर्व है इसमें डाउनवर्ड स्लोप होना स्टार्ट होगा कब जब वेज रेट बढ़ा दी जाएंगे तब ओके okay. इसका नेक्स्ट फीचर है वो है वीक बार्गेनिंग पावर वीक बार्गेनिंग पावर और ये कहीं कही ना कहीं लिंक्ड है किस चीज से कि लेबर होता है टेरिशेबल अब इसको आप समझना फैक्ट्री के वर्कर्स जिनका काम यह है कि वो सुबह आके शाम तक काम करेंगे फिर उनको पेमेंट मिलेगी और अपना डेली वेज लेके वो घर जाएंगे अगर कोई सिंगल वर्कर मैं यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ अगर वो फैक्ट्री के ओनर से जाके बहस करने लग जाए ठीक है बहुत देर तक डिस्कस ही करता रहे वो कि आज मेरी वेज बढ़ा दी जाए ओनर हो सकता है ना माने ये डिबेट हो सकता है बहुत ज़्यादा देर तक चलेगी बट इन दी एंड होगा क्या कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे उस वर्कर को जो लास्ट में शाम में उसको डेली वेज मिलना है उसका अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा इसलिए कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा देर तक बार्गेन नहीं कर पाता और इसीलिए आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ वहाँ से समझना आसान हो जाएगा कि आपने लेबर यूनियंस के बारे में बहुत सुना होगा कहीं भी किसी भी टाइप की फैक्ट्री हो किसी भी टाइप की कंपनी हो बारगेनिंग तभी हो सकती है जब एक यूनियन या फिर एक बहुत बड़ा ग्रुप जाके बात करें क्योंकि जब आप ग्रुप में जाते हो तो ऑल टुगेदर उस टाइम के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस बंद हो जाता है तो कोई एक इंडिविजुअल जाके अगर फैक्ट्री के ओनर से बात करे तो फैक्ट्री के ओनर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं अगर वो वर्कर फैक्ट्री छोड़ के चला भी जाए इनकेस तो भी हायरिंग आराम से हो जाएगी बट अगर पूरी फैक्ट्री जितने भी वहाँ पे वर्कर्स हैं वो सब एक यूनिट में जाके फैक्ट्री ओनर से बात करें तो ओनर को सुनना पड़ेगा अब क्योंकि इतने बड़े क्वांटिटी में लोगों को रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल होता है राइट और इससे भी बड़ी बात ये कि उस दिन अगर काम नहीं हो रहा है तो रेंट तो फिर भी जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट फिर भी इनकर हो रही है और सबसे बड़ी बात कि उस दिन कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है अगर तो फिर कंपनी ऐसे ही लॉस में हो जाएगी क्योंकि हो सकता है कि रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी डिलीवर कर दिया गया है आपने उसको जल्दी से कन्वर्ट नहीं किया आउटपुट में तो वो रॉ मटेरियल्स ख़राब हो सकते हैं फिर आपको दोबारा से मंगाना पड़ जाएगा तो इसी लेबर का हमेशा आप देखोगे यूनियन वर्ल्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और ना सिर्फ मैं डेली वेज वर्कर्स की बात नहीं कर रहा किसी भी इंडस्ट्री में जैसे बैंक्स में जब सैलरी की रिवीजन होने वाली होती है तो उस समय बहुत लंबे टाइम तक ठीक है जो आपने वर्ड्स ऐसे आ, सुन रखे होंगे बाई पार्टाइट ये सेटलमेंट होता है तो उसके लिए भी यूनियन के लोग जाते हैं वहाँ पे बात करने वो इसी वजह से है बिकॉज किसी एक इंडिविजुअल की बहुत वीक बार्गेनिंग पावर होती है बट अगर वो यूनियन मिल जाए बहुत बड़ा यूनिट अगर रेडी हो जाए तो फिर बार्गेनिंग थोड़ी आसान हो जाती है ओके okay. फिर हम आएंगे कि लेबर जो होगा वो आपका एक एक्टिव फैक्टर होता है अब हमने इसके पहले लैंड को पढ़ा लैंड एक्टिव फैक्टर नहीं है लैंड है पैसिव फैक्टर मतलब लैंड को आप यूज़ करते हो उस पर आप फैक्ट्री बनाते हो उससे रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करके आप उसको फैक्ट्री में यूज करते हो लेकिन लैंड खुद से वर्क नहीं कर रहा आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में लैंड का कोई एक्टिव रोल नहीं है लेकिन लेबरर का किसी भी वर्कर का एक्टिव रोल होता है इसलिए लेबर को हम बोलेंगे कि ये एक एक्टिव फैक्टर है लैंड को हम बोलेंगे ये एक पैसिव फैक्टर है ठीक है इसके बाद हम आते हैं कैपिटल पे अब अगेन जो यूजुअल मीनिंग है उसमें कैपिटल को आप डिफाइन करोगे आप इसको एक मॉनेटरी मॉनेटरी एंगल देते हो कैपिटल का मतलब क्या हो गया जब हम कैपिटल मार्केट में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि कोई भी कंपनी जिसको कि फ़ंड रेजिंग करनी हो तो फंड रेजिंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हो सकता है सिंपली कि एक लोन भी लिया जाए बट जब लोन लेना फिजिबल नहीं होता है कंपनीज के लिए तब वो मार्केट में जाती हैं किस लिए कैपिटल रेज करने क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस ग्रो करना है इसके लिए जो उनको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे उसके लिए पैसा कहाँ से है इसलिए वो जाते हैं कैपिटल मार्केट में तो मतलब जो वर्ड है कैपिटल उसको आप एक मॉनेटरी एंगल से समझने की कोशिश करते हो बट बट इकनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता उन पैसे को यूज़ करके जो आप सामान लेके आते हो जैसे कि आपने फिक्स्ड एसेट्स के बारे में सुना होगा मशीन्स हो गई उसके बाद प्लांट्स है तो ये जितनी भी चीजें हैं इनको आप बोलोगे कैपिटल कैपिटल को दूसरे वर्ड में प्रोड्यूस्ड गुड्स भी बोलते हैं ठीक है ये वो चीजें हैं जिसको आप यूज करके अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इन्हांस करते हो जैसे मशीन के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं अगर आपको कोई एक पार्टिकुलर मशीन चाहिए जो कि आपके काम को आसान करे उसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं तो हर कंपनी ये चाहती है कि उसको बेस्ट अवेलेबल मशीन मिल पाए उसके बजट के हिसाब से तो ये सारी चीज़ें कैपिटल में आएंगी अब कैपिटल को भी डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था मशीन का बट मशीन के अलावा भी बहुत और टाइप के कैपिटल हो सकते हैं जैसे मशीन हो गया फिक्स्ड कैपिटल जो बहुत लंबे टाइम तक तो आपको यूज यूज़ करते रहना है दूसरे टाइप के कैपिटल हो गए जिसको हम बोल सकते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल अब जैसे एक बहुत हैवी मशीन आप लेके आ गए तो आप इसको 10 साल 15 साल हो सकता है यूज़ करोगे लेकिन जो सर्कुलेटिंग कैपिटल होगा वो बहुत शॉर्ट टर्म में ही पूरा यूज़ हो जाता है जैसे प्रोडक्शन के लिए जो आप रॉ मटेरियल्स लेके आओगे उसको हम बोल सकते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल क्योंकि आप उसको लेके आए आपने उसको यूज़ किया वहाँ पे बात खत्म हो गई सॉरी <coughs> जो आउटपुट निकला है आप उसको मार्केट में ले जाके सेल करोगे रिवेन्यू के लिए नेक्स्ट डे फिर से आपको रॉ मटेरियल्स मंगाने पड़ेंगे फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगी फिर आप आउटपुट को जाके मार्केट में सेल करोगे थर्ड डे फिर से आपको रॉ मटेरियल्स मंगाने पड़ेंगे इसलिए हम इसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल लेकिन जो मशीन्स वगैरह हैं उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल वो बहुत लंबे टाइम तक आप उसको यूज़ करते रहते हैं वो आपको हर दिन ही मंगाना इसके अलावा हो सकता है ह्यूमन कैपिटल ठीक है अब उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे कुछ लोग होंगे टेक्नीसियंस हो गए अगर सर्विस सेक्टर की कंपनी है तो वहाँ पे लोग मोस्टली अपना ब्रेन यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे कोई गुड्स को किसी गुड को मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई भी प्रोसेस फुल्ली ऑटोमेटेड हो आगे बहुत आगे जाके हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो लेकिन फिर भी कोई भी मशीन भले आप ए का यूज़ बाद में करो बट उस ए को जब कोड्स की ज़रूरत होगी तो वो भी कोई ह्यूमन ही कर रहा होगा या फिर चलो आपने ऐसा रोबोट भी बना लिया जो कि कोडिंग करे तो उस रोबोट को पहले बनाने के लिए भी ह्यूमन ब्रेन की ही ज़रूरत होगी कहने का मतलब है कि ह्यूमन हुम, कैपिटल कभी भी इरेलीवेंट नहीं होने वाला भले ही भले ही ऑटोमेशन का लेवल कितना भी एडवांस हो जाए अब इसमें और बहुत सारे टाइप के कैपिटल और भी हो सकते हैं जैसे अगर हम बात करें रियल कैपिटल तो जितने फिजिकल नेचर के कैपिटल हैं या गुड्स हैं जो कि यूज होने वाले हैं प्रोडक्शन में उसको हम बोलेंगे रियल कैपिटल इसी का जस्ट अपोजिट जितने जितने भी इंटेंजिबल हैं मतलब आप जैसे अपनी कोई आप अपने इंटेलेक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इंटेंजिबल कैपिटल उसके बाद मान लो कि आपने फैक्ट्री कोई ऐसे जगह पे बनाई जो कि रोड के बिल्कुल बगल में है अब फैक्ट्री हो सकता है कि वहाँ के आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पे लोग रह रहे हों वहाँ से बहुत दूर हो बट उस जगह को उस फैक्ट्री के लोकेशन को किसी दूसरे जगह से कनेक्ट करने के लिए रोड है जो कि गवर्नमेंट ने पहले से बनवा रखी है अब फैक्ट्री का एरिया बहुत बड़ा हो गया आपने वहाँ पे बनाना स्टार्ट किया उसे एंड फैक्ट्री का एरिया बहुत बड़ा है तो उस रोड को यूज़ करके जो रॉ मटेरियल्स आ रहा है अब उस रॉ मटेरियल को आपको उस लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँचानी है आपके प्रेमाइस के अंदर जहाँ पे एक्चुअली में प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको खुद से वहाँ पर रोड बनवानी पड़ेगी मतलब एक जो मेन रोड है वो तो है आपका कैंपस जो आप स्टार्ट हो रहा है अब तो आपको अपने कैंपस के भीतर अलग से रोड बनवानी पड़ेगी सो दैट व्हीकल्स की मूवमेंट वहाँ पर आसानी से हो अब ये जो दो अलग अलग टाइप के रोड्स हैं इससे आप समझो कि सोशल कैपिटल क्या हो सकता है और इंडिविजुअल कैपिटल क्या हो सकता है तो जो मेन रोड जो सरकार ने बनवाई हुई है उसको हम बोलते हैं सोशल कैपिटल क्योंकि वो सबका है उसको हर कोई यूज़ कर पाएगा बट आपने जो अपने फैक्ट्री के अंदर रोड बनवा रखा है वो आपका इंडिविजुअल कैपिटल हो गया उसको सिर्फ आप यूज़ करेंगे राइट ठीक है अब इसमें आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कैपिटल फॉर्मेशन Uh, इसी का पार्ट हो गया वो कैपिटल फॉर्मेशन इसके थ्री पार्ट्स होंगे सबसे पहले तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप सेविंग्स करो नेक्स्ट इसमें प्रोसेस है कि आप कैसे उसको मोबिलाइज करते हो तो यहां पे क्या होगा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो जिन वर्कर्स की बात कर रहे थे हम उनको डेली वेज मिल रहा है राइट right? डेली वेज उनको मिल रहा है कैश के फॉर्म में अब ये कैश वो मान लो कि उन्होंने रखा हुआ है हो सकता है सारा का सारा कंज्यूम ना हो या फिर सारा का सारा हो सकता है कि वो स्पेंड ना करे इसमें से कुछ अमाउंट वो हर रोज सेव कर रहा है लेकिन जब तक ये कैश के फॉर्म में है जब तक वो सिस्टम में नहीं आता तब तक उसके अलावा इस कैश को कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी आ, कोई भी आप अगर ऐसे देखो डेवलपिंग कंट्री तो वहाँ की गवर्नमेंट ट्राई करती है कि कैसे जो सेविंग्स हैं थ्रू बैंकिंग चैनल्स वो बढ़ना है स्टार्ट हो जब तक ये सारा पैसा फॉर्मल इकनॉमी में नहीं आएगा जब तक ये सर्कुलेटिंग इकनॉमी में नहीं आएगा तब तक उस कंट्री की ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड वे में होती है इसीलिए आप आपने देखा होगा क्योंकि सरकार को ऐस ऐसे ऐसे कोई जरूरत नहीं थी कि वो जनधन अकाउंट खुलवाए इसका एक एंगल जरूर है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बेनिफिट्स खास करके मॉनिटरी बेनिफिट्स वो डिसबर्स हो पाए बहुत ही इफिशियंट वे में इसके लिए हर बेनिफिशरी का बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी था लेकिन इसका ऑल्टरनेट भी बहुत लंबे टाइम से अवेलेबल था कि आप कैश के फॉर्म में उनको दे दो करप्शन के केसेस भी बहुत होते थे लेकिन बहुत सारे तरीके थे कि करप्शन को रिड्यूस करके वो पैसे कैश के फॉर्म में उनको दिया जा सके बट बैंक अकाउंट का होना नो no डाउट इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक रिड्यूस करता है या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर देता है बट बैंक अकाउंट्स होने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं ये पैसा लोगों के बैंक अकाउंट्स में रहेगा तो ईजिली उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि आप इसको किसी और चीज़ में भी लगा सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपने नोट किया होगा कि जब जनधन अकाउंट खुलना है, स्टार्ट हुआ है ठीक है जैसे आ, ये वाली गवर्नमेंट जब पावर में आई है 2014 में जनधन अकाउंट पे काम जैसे उसके बाद ही स्टार्ट हो गया था एंड उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लॉन्च हुए श्रम योगी मानधन योजना ठीक है उसके बाद आ, किसान मानधन योजना ऐसे ऐसे करके आप देखो कि सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें सरकार ये बोलती है कि आप बहुत ही नॉमिनल सा कॉन्ट्रीब्यूशन करो ये आपका पूरा कंपाइल होता रहेगा और आपको लास्ट में जाके मंथली इनकम प्रोवाइड की जाएगी जब आप रिटायर हो जाओगे अब सोचो कि ये जो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशनस हैं नो डाउट इनके अमाउंट बहुत कम होते हैं बट इसकी आप क्वांटम देखो कि कितने लोग होंगे यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है आ, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स की जब बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो सरकार के पास ये जो पूरा पूरा का पूरा कॉर्पस है क्योंकि इसको लोग ऐसे यूज़ नहीं कर पाएंगे अब एक बार कंट्रीब्यूशन हो गई तो बहुत रेयर केस में अलाउ किया जाता है कि आप उसको विड्रॉ करो मोस्टली ऐसा होगा कि ये पैसे रह जाएंगे और फिर गवर्नमेंट इसको सिक्सटी ईयर्स की जब एज हो जाएगी तब ये लोगों को वापस मिलेगा मंथली इनकम के फॉर्म में लेकिन तब तक सिक्सटी ईयर्स के कम्प्लीट होने तक ये जो पैसा है ये सरकार के पास है अब सरकार इसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकती है तो इसका फायदा ये हुआ कि आपको वापस लौटाना है बहुत लंबे टाइम बाद लेकिन तब तक आपके पास ये अमाउंट है तो आप इसको किसी डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल एक्टिविटी में खर्च कर सकते हैं वरना यही पैसे आप मार्केट से बोरो कर रहे होते हैं बॉन्ड्स के फॉर्म में या फिर आप किसी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से लोन ले रहे होते हैं सो कुछ हेल्प तो हो गई तो जैसे जैसे सेविंग्स का रेट बढ़ेगा थ्रू बैंकिंग चैनल्स वैसे वैसे गवर्नमेंट को बहुत सारे फायदे होते हैं इससे और वो फायदा फिर हम तक आता है वापस तो इसलिए सेविंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सरकार इस पर वर्क करे कि कैसे ये पैसा वापस सिस्टम में आ पाए राइट सो सेविंग्स का एक तो पहले अमाउंट होना चाहिए कुछ ना कुछ और कोशिश ये होनी चाहिए कि ये अमाउंट्स धीरे धीरे बढ़े और इसी में आप बहुत सारे टर्म्स को देखोगे आगे आगे जैसे एक है जिसको हम बोलेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसकी सिंपल सी मीनिंग है कि आप आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि आपके खर्चे रेशियो वाइज वो आपका कम होने लगता है और आपकी सेविंग्स बढ़ने लगती है एक बहुत ही बेसिक लो एग्जाम्पल कि अभी आपकी सैलरी मान लो फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी थाउजेंड उसमें से टेन थाउजेंड आपका जा रहा है खाने आई मीन फूड पे फूड पे अभी आपका जा रहा है टेन थाउजेंड आपकी सैलरी मान लो फिफ्टी थाउजेंड से हो गई वन लाख तो ऐसा नहीं है कि जो पहले खाने पे खर्च आपका कितना हो रहा था टेन फिफ्टी पे हो रहा था टेन अगर आपकी इनकम वन लाख हो गई मंथली इनकम तो वो टेन से ट्वेंटी नहीं होगा वो थोड़ा सा कम ही रहेगा इससे हो सकता है कि फिफ्टीन हो जाए सिक्सटीन हो जाए बट वो ट्वेंटी नहीं होता यूजली नहीं होता ऐसा तो जिस रेशियो में इनकम बढ़ रही है उसी रेशियो में खर्चे नहीं बढ़ते इसलिए जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनकी प्रोपेंसिटी टू सेव या फिर आई मीन I mean, सेविंग्स वो उनकी बढ़ती जाती है ओके okay. ये वाला पार्ट हो गया हमारा इसका थर्ड स्टेज है जिसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट तो सपोज कि किसी वर्कर ने पैसे बचा लिए वो पैसा उसने अपने जनधन अकाउंट में डाल दिया अब वो सरकार के पास है सरकार चाहेगी कि कैसे उसको पुल करके किसी और एक्टिविटी में लगाए तो ये जो अलग अलग स्कीम्स के मैंने आपको नाम बताए आप उसको वहां से लिंक कर सकते हो कि वो एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है ठीक है ओके okay, लास्ट है यहाँ पे आंट्रप्रेनोर ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में आपने बहुत रीड किया होगा बहुत सुना होगा तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा आप इसको बस ऐसे समझ लो कि जो पहले के तीन फैक्टर्स हैं लैंड लेबर और उसके बाद कैपिटल ये तीनों जब आएंगे साथ तो ऐसा नहीं है कि खुद से सारी आ, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी ये तीनों फैक्टर को मैनेज करने का जो ब्रेन होगा वो आंट्रप्रनोर लेके आता है तो इन तीनों फैक्टर को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए वो आइडिया किसके दिमाग में होगा आंटर ट्रेनोर इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ द ब्रेन बिहाइंड ऑल दीज थ्री फैक्टर्स कि कैसे उसे यूज़ करना है ये इसी को पता है सो so इसलिए ये चार फैक्टर्स हैं राइट right, हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे अब हम देखते हैं प्रॉफिट कितने टाइप के हैं सो अगेन जो थोड़ा सा जनरल टर्म है जो आपने जो आपने रीड किया होगा हम उसको पहले देखते हैं प्रॉफ़िट की सिंपल सी मीनिंग है या फिर सिंपल सा हम इसको अगर डिफाइन करें तो इसको हम इस वे में डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ दी टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट बहुत ही सिंपल वे में अब अगर हम अकाउंटिंग की बात करें अकाउंटिंग के टर्म्स में प्रॉफिट या फिर आप अगर आप ओवरऑल देखो वैसे ट्रांजेक्शन जो एक्चुअली में इनकर हुए हैं जिसमें कोई मॉनेटरी मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ है आप उसी को रिकॉर्ड करते हैं एंड उसी के बेसिस पे कॉस्ट भी निकाला जाता है उसी के बेसिस पर रिवेन्यू भी निकाला जाता है और फिर लास्ट में प्रॉफिट निकालते हो आप तो <coughs> सॉरी अगर हम सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करें अकाउंटिंग प्रॉफिट सो ये क्या हो जाएगा टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अब यहाँ पे ध्यान देना आप कि यहाँ जो मैंने टोटल कॉस्ट लिखा है दिस इंक्लूड्स ओनली जिसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब वैसे कॉस्ट जिसमें कोई एक्चुअली में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ है तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट की जगह पे आप एक्सप्लेसिट uh, कॉस्ट भी लिख सकते हैं ये हो गया हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट अच्छा अभी जो फैक्टर हमने रीड किया इसका अब सोचो कि कोई ऐसा पर्सन जो अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाला हो जमीन उसकी खुद की है राइट right? ज़मीन उसकी खुद की है उसने अपने ही ज़मीन पे, अपने ही लैंड पे काम स्टार्ट किया उसको रॉ मटेरियल्स परचेज करके लाना होता है हर दिन मशीन उसने ऑलरेडी खरीद रखी है तो अब क्या करना है रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके मशीन के हेल्प से उसको आउटपुट क्रिएट करना है उसके बाद वो उसे मार्केट में जाके सेल करेगा और सेल करने से जो पैसा आएगा उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू अब जो उसका कॉस्ट आया है अगर हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा ले अगर तो उसका कॉस्ट होगा क्या रॉ मटेरियल जो वो ख़रीद के लेके आ रहा है वो उसके बाद जो उसने मशीन खरीदी है अगर हम ये दो कॉस्ट को मिला दें तो ये इसका टोटल कॉस्ट बन जाएगा लेकिन आप ध्यान देना अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में देखेंगे तो दो चीज़ें हैं जिसको कि हमने यहाँ पे इग्नोर किया है सबसे पहला तो वो लैंड अगर उसकी खुद की ज़मीन नहीं होती उसने अगर किसी और के ज़मीन पे काम स्टार्ट किया होता तो उसको वहाँ पर रेंट देना पड़ता बिकॉज उसकी खुद की ज़मीन है इसलिए उसको उसको रेंट नहीं देना पड़ रहा लेकिन आप रेंट का भी कॉस्ट यहाँ पे ऐड करोगे क्योंकि वो आपकी एक्चुअल आई मीन I mean वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है दो महीने बाद तीन महीने बाद हो सकता है ऐसा कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर उसको, उसके जो गुड्स हैं उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाए तो वो चाहेगा कि कैसे वो अपने प्लांट को थोड़ा सा एक्सपेंड करें अब उसकी ज़मीन हो सकता है उस केस में सफिशेंट ना हो उसको कुछ और ज़मीन भी खरीदनी पड़ेगी तो जब खरीदनी पड़ेगी तो उसे फिर पैसे देने पड़ेंगे या फिर किसी दूसरे की ज़मीन रेंट पर लेनी पड़ेगी सो तो वो पैसा भी आपको ऐड करना है अच्छा इस टाइप के कॉस्ट को जो कि एक्चुअली में इनकर हुआ नहीं है हम बस ये बोल रहे हैं कि इस कॉस्ट को भी ऐड किया जाना चाहिए क्योंकि भले वो उसकी खुद की ज़मीन है लेकिन अगर ये ज़मीन किसी और से उसने ली होती तो उसको वहाँ पे रेंट पे करना होता तो वो रेंट का जो अमाउंट है वो आप इसमें ऐड करते हो सो so दैट जो एक्चुअल कॉस्ट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो पाए और उसके बाद जो रिवेन्यू आता है आप उसको कंपेयर कर पाओ कि टोटल कॉस्ट के मुकाबले वो रिवेन्यू कहाँ पर है ओके okay. ये आपका हो गया अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करें इकोनॉमिक प्रॉफिट सो वो आपका हो जाएगा क्या टोटल रिवेन्यू माइनस अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट था वो आपका यहां पे हो जाएगा क्या एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी वैसे कॉस्ट जो एक्चुअली में इनकर हुए नहीं हैं उनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट तो लैंड का रेंट अच्छा दूसरी बात कि जब ऑन्टरप्रन्यर वहाँ पे काम कर रहा है वो क्योंकि उसने उसने खुद से किया है सेटअप पूरा हो सकता है कि वो पहले कहीं और पे जॉब कर रहा होता या फिर वो पहले जॉब कर रहा था कहीं पे उसको मंथली सैलरी मिल रही थी उसने वो जॉब छोड़ के अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट किया है तो पहले केस में आपने उसकी सैलरी भी उसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि उसने नहीं बताया कि मुझे ये भी ऐड करना है थिंग इज कि अगर वो कहीं और जॉब कर रहा होता तो उसको मंथली सैलरी मिलती ही हैड टू फॉगो दैट अमाउंट सो दैट ही कुड हिज ओन बिजनेस इन सिंपल वे देर इज एन देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज बिंग इनकर्ड वो भी आपको यहां पर कंसिडर करना होगा क्योंकि कोई भी फ्री में काम नहीं करता शुरू में हर कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करते समय जो उसके पॉकेट से खर्च हो रहा है वो इग्नोर करके चलता है बिकॉज वो काम उसी का है लेकिन जैसे जैसे बिजनेस थोड़ा सा फॉर्मल वे में चलने लगता है अब उसको वहाँ से कुछ पार्ट चाहिए क्योंकि उसने मेहनत की है सो so, ऐसे ऐसे कॉस्ट को हम बोलेंगे इम्प्लीसिट कॉस्ट जब आप टोटल कॉस्ट में आई मीन एक्सप्लिसिट और इम्प्लीसिट दोनों को ऐड करते हो और इसको माइनस करते हो किससे टोटल रिवेन्यू से अब जो अमाउंट आएगा उसको आप बोलोगे इकोनॉमिक प्रॉफिट अब एक चीज़ आप नोटिस करना यहां पे यहां पे क्या है कि मैंने एक्सप्लिसिट और इम्प्लीसिट दोनों को ऐड किया है और उसको माइनस किया है किस में से टोटल रिवेन्यू में से जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में सिर्फ मैंने एक्सप्लिसिट कॉस्ट लिया है अब एज्यूम करो कि लैंड का कुछ ना कुछ कॉस्ट है जो कि वो ओनर वहां पर पहले कंसिडर नहीं कर रहा था इस केस में क्या होगा कि इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी लेसर देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट क्यों बिकॉज इसमें हमने ऐड किया है इम्प्लिसिट कॉस्ट इन द प्रीवियस केस दैट इज इन अकाउंटिंग प्रॉफिट वी वर नॉट टेकिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट इन टू कंसिडरेशन दैट्स वाई द इफेक्टिव नंबर दैट यू वर गेटिंग वॉज वे हायर देन अकाउंटिंग सॉरी वे हायर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट तो ये एक चीज़ है जो आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है यूजली ठीक है सो so आपको इस बात का ध्यान रखना है इसमें हम यहाँ पे आ, थ्री केसेस देख लेते हैं उसके बाद वाइंड अप करेंगे आज मुझे ये सब भी बताना था एक्चुअली बट ये वाला पार्ट आज नहीं हो पाएगा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे ठीक है अब हम एक बार देख लेते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट के कितने टाइप्स हो सकते हैं और ये सब चीजें आगे वाले चैप्टर्स में बहुत काम आएंगी खास करके मार्केट स्ट्रक्चर में इस पर आप बहुत सारा ग्राफ और ये सब के फॉर्म में देखोगे चीजों को इकोनॉमिक प्रॉफिट के टाइप्स सबसे पहला नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सो so, जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक प्रॉफिट को हम कैसे करेंगे डिफाइन टी आर दैट इज टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट राइट अब मान लो कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाए मतलब कि टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लीसिट कॉस्ट तो अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, उस केस में होता है नॉर्मल प्रॉफिट यानी जो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट है दैट इज जीरो क्यों क्योंकि टीआर इज इक्वल टू टीसी इसलिए जब आपने इसको रिड्यूस किया है तो वहां पे सॉरी जब आपने इसको माइनस किया है तो यहां पे जीरो आएगा सो यानी नॉर्मल प्रॉफिट को हम जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं तो आप इसको लिख लो यहां पे ऑल्सो नोन एज जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट ठीक है नेक्स्ट केस है इसमें जिसको हम बोलेंगे एब नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल दोनों सेम है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये क्या हो जाएगा इन केस टोटल रिवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट और इस चैप्टर में या फिर आगे भी जब भी हम इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो ये चीज़ अंडरस्टूड रहेगी अब कि हम उसमें बात कर रहे हैं दोनों को मिला के मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट भी है उसमें और आई मीन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वहाँ पे दोनों हैं ठीक है तो इसलिए मैं इसको तो शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ टी इस केस में क्या होगा कि अगर आप टी आर में से माइनस करोगे टी सी तो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा तो इसलिए अब जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट वाला केस तो नहीं रहा अब हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अब इकोनॉमिक्स में होता क्या है यूजुअली कि जो आपका जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट वाला सीन है तो शुरू के फेज़ में जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है क्योंकि उस समय आप, उस उस समय आपको एक मार्केट शेयर अपना ग्रैप करना होता है तो आप कोशिश करते हो कि कम से कम दाम पे आप चीज़ों को बेच पाओ मार्केट में तो इसलिए शुरू के दिनों में यूजुअली जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट पे ही ऑपरेट करना होता है किसी भी फर्म को इसलिए क्योंकि जो उसका जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है ठीक है फाउंडर वो हो सकता है कि सैलरी अपनी ड्रॉ ना करें वो हो सकता है कि आप अपने खुद के लैंड पे वो फैक्ट्री स्टार्ट करें तो इसलिए शुरू के दिनों में काम चल जाता है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट पे लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे जैसे जैसे मान लो कि फोर मंथ्स हो गए फाइव मंथ्स हो गए वन ईयर हो गया तो कोई भी इंसान भले ही वो कंपनी का ओनर हो बिना सैलरी ड्रॉ किए वो अपनी खुद की लाइफ अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि हर किसी को इनकम हो सकता है शुरू में ना ले, लेकिन एक स्टेज पे उसको भी इनकम चाहिए होगी इसलिए जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का केस शुरू में ठीक है बट ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता राइट अच्छा दूसरी बात ये कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको करना है एडजस्ट जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट में आंटरप्रन्योर का भी कॉस्ट वहाँ पे ऐड हो रहा है राइट बट इसके अलावा भी उसे कुछ एडिशनल मार्जिन चाहिए सो दैट वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाए सो so इसलिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है तो हर फॉर्म को धीरे धीरे ट्राई करना होता है कि वो कैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ जाए राइट तो ये सब चीज़ें हैं जो आज हमने देखी टाइम अगर और होता थोड़ी और भी चीज़ें कवर करते हैं ये दो पार्ट रह गए हैं ऊपर से ये स्टूडियो बहुत ही ठंडा हो चुका है तो मेरे लिए यहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल है अभी राइट तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर जो बाकी के आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे लॉज को रीड करने के बाद हम बात करेंगे किसकी प्रोडक्शन फंक्शन की प्रोडक्शन फंक्शन तो ये दोनों टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अब इसके पहले कि मैं फ्रीज हो जाऊँ मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग